हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे पेड़ पौधे खुशी से लहरा रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं भी आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लेती हूँ। तो मेरे पास प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत प्लांट्स के बारे में बता सकती हूँ। धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से, अपनी हैंगिंग बास्केट्स मैंने लास्ट वीडियो में डाला था वो, उसकी पॉटिंग मिक्स मैंने कैसे बनाया उसके बारे में बताऊंगी, और भी आपको मैं बहुत कुछ अपनी शेयर करूंगी प्लांट्स के बारे में और अपनी कलेक्शन के बारे में। लेकिन आज मैं आपके साथ हर्ब्स के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि मैंने सैटरडे संडे में 15th और 16th फरवरी में, जो कि बाहुबली एनक्लेव में इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी वालों का एक फ्लावर शो हुआ था, जिसमें कि मैं गई थी। मैंने काफ़ी शॉपिंग की उसमें भी प्लांट्स की, लेकिन धीरे धीरे मैं सारी कलेक्शंस दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको हर्ब्स जो मैंने वहाँ से कलेक्ट किए, जिससे कि क्योंकि मेरे पास हर्ब्स नहीं थे और हर्ब्स की बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी है, और वैसे भी हम लोग उसको अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं, तो उसमें से मैंने 5 हर्ब्स जो लिए, मैं उनको अपने 5 हर्ब्स को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो उसकी लिस्ट में मेरा पहला हर्ब है बेसिल का। ये मैंने बेसिल के 2 प्लांट्स लिए। देखिए हैं तो बहुत छोटे छोटे से दोनों प्लांट्स, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं इसको अच्छे से ग्रो करूँ, और फिर दोबारा से मैं आपको, थोड़ा बड़े हो जाएंगे जब फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको। जैसे बेसिल, लोग समझते हैं कि बेसिल और तुलसी एक ही है, लेकिन दोनों बेसिल और तुलसी में एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो तुलसी होती है उसकी अपनी ही एक मेडिसिनल वैल्यू है, जबकि बेसिल को हम अपनी रोज़मर्रा की डाइट में, और इसको हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, खाने में यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिल के बहुत ही फ़ायदे हैं हमें। ये हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है, इवन लिवर जिसका ठीक नहीं हो, ये लिवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है फॉर अ लॉन्गर एंड हैप्पियर लाइफ। तो हम लोगों को अपनी बेसिल को अपनी रोज़मर्रा की अपनी डाइट में हम लोग उनको लेना चाहिए। और इसी के साथ ही मेरा दूसरा जो मैं आप लोगों से हर्ब शेयर करना चाहूँगी, पेपरमिंट। पेपरमिंट के बारे में तो आप सब लोगों ने सबने ही सुना होगा, ये एरोमेटिक प्लांट है। इसका जो एरोमा है वो तो देखते ही बनता है। अगर आप अपने चावल बॉईल कर रहे हैं या आप चाय बना रहे हैं, तो आप इसकी एक लीफ की अगर आप राइस बॉईल करते हुए डाल देंगे, तो उसका जो फ्लेवर होगा, उसका जो एरोमा आएगा, वो तो मतलब आप टेस्ट करके ही फ्लेवर का उसका मज़ा ले सकते हैं। तो और अगर आप इसको पेपरमिंट को अगर आप चाय के कप में एक पत्ती भी डाल देंगे, अगर आपके हेडेक हो रहा है या कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो इट विल रियली इम्प्रूव दैट बोथ द थिंग्स ना। तो पेपरमिंट को भी हम लोग अपने हर्ब्स में डेली डाइट में यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड इसी लिस्ट में मेरा थर्ड है ओरिगैनो का। इसके भी मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं। देखिए ये दोनों बेसिल के हैं, ये दोनों पेपरमिंट के हैं, और ये दोनों मेरे ओरिगैनो के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे से हैं। देखिए इसकी लीव्स, तो ओरिगैनो का नाम सुनते तो सबको पिज़्ज़ा जल्दी से याद आ जाता है, क्योंकि पिज़्ज़ा में हम लोग ओरिगैनो पाउडर का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अब देखिए जिस पाउडर को हम लोग, उसकी लीव्स देखिए ग्रीन कलर की, किस तरह की लीव्स हैं उसकी। और ओरिगैनो की भी अपनी बहुत ही वैल्यू है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इसमें, एंड फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। और ये इसका अगर हम डेली अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी खाना, तो हमारा फूड तो डिलीशियस होगा ही होगा, हमारी लाइफ भी हेल्दी रहेगी। और इसी के साथ ही मेरा 4th प्लांट है पार्सले। देखिए दिस वन, इसकी लीव्स भी बहुत ही प्यारी सी लग रही हैं, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर से मैं एक बार आपसे शेयर करूंगी। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो गजब की प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम इसको अपनी डेली डाइट में, इससे कैंसर प्रिवेंट हो सकता है और प्रिवेंट कर सकते हैं, और बोन हेल्थ भी इम्प्रूव होती है पार्सले यूज़ करने से। और तो और अगर डायबिटिक पेशेंट लेंगे तो उसमें भी, डायबिटीज़ में भी, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू फाइट अगेंस्ट डायबिटीज ऑल्सो। तो और लास्ट 5th मेरा प्लांट है रोजमेरी का प्लांट। ये रोजमेरी आपके ब्रेन फंक्शन को एनहेंस करने के साथ साथ आपकी मेमोरी, ब्रेन फंक्शन को एनहेंस करता है, एंड योर मेमोरी आल्सो, और उसी के साथ साथ ही आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कैंसर। तो देखिए इससे भी हमें, इसका मतलब है कि हमें कैंसर से भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमने अपने हर्ब्स को अपनी डेली डाइट में लेके कई तरह के
प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हम लोग इसको अपनी डेली डाइट में लेने का प्रयत्न करेंगे हर्ब्स को, और मैं इसको जैसे ही ये बड़े हो जाएंगे फिर से आपको इन प्लांट से आप शेयर करूंगी आपके साथ इसको बड़े होने के बाद। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको बेल आइकन को दबाएं। तो ओके, बाय फ्रेंड्स।